हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, तमिलनाडु तक, ये जो माला की तरह फैला हुआ हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में आज जिस तरह से छोटे छोटे प्रदेश बने हुए हैं और यहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, यही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन आज के दिन को मनाने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं, एक त्योहार की तरह मनाते हैं। ये हम अपने आने वाली पीढ़ी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ये हम बताना चाहते हैं कि आज का दिन, ये आजादी जो हमें मिली है कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। हमारा मकसद है कि उन नौजवानों को, उन शहीदों को हम आज के दिन याद करें, उन्हें हम नमन करें जो आज हम स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितनी माताओं ने अपने लाल गवाए, अपने सुहाग गवाए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधना का सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। जिस तरह से आजादी हमें मिली है, आज हमें गर्व है, उन लोगों के ऊपर हम सभी लोगों को गर्व करना चाहिए और उनको हम नमन करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं कि जो दिन आज हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ऐसा देश यहाँ पे है कि हर जाति धर्म के लोग किसी न किसी जगह में एक उच्च स्थान पे पहुंचे हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है, गाजीपुर जनपद में बाढ़ का बड़ा कहर है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने साहस से काम किया है, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बाढ़ क्षेत्रों में जो लोग आज पीड़ित हैं उनके प्रति थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। और यह तहसील एक ऐसा मुख्यालय है कि हमारे गांव के किसान भाई, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान कहीं होता है तो तहसील पे होता है, एक बहुत बड़ा मंदिर, ताकि ये तहसील गाजीपुर जनपद का एक आदर्श तहसील बने। मेरे लायक जो भी आप लोग जो भी करना चाहते हैं ये अच्छाई के लिए, लोग जब यहाँ से आए तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हर मेरा किसान भाई, हर मेरी बहन, हर नौजवान साथी यहाँ से संतुष्ट होते जाए। मैं आप लोग कोशिश कीजिए कि उन कार्यों को पूरा कीजिए, एक बार दो बार तीन बार चार बार जब भी उनकी तारीफ पड़े, यदि आप मन में ठान लेंगे तो मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं का